राहुल गांधी दक्षिण से उत्तर की भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब पूरब से पश्चिम तक निकल रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा पॉइंट टू का मध्य प्रदेश में रोड मैप तैयार कर रहे हैं। लोकसभा के चुनाव से पहले राहुल गांधी की इस न्याय यात्रा को काफी अहम माना जा रहा है। कांग्रेस को उम्मीद है कि न्याय यात्रा के माध्यम से कांग्रेस को आगामी लोकसभा चुनावों में फायदा होगा। राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश के 2 संभाग और 9 जिलों को कवर करेगी, साथ ही प्रदेश में 600 किलोमीटर का सफर तय करेगी। इसी पर देखिए एक खास रिपोर्ट। बीजेपी के मोदीमय और राममय का कांग्रेस ने निकाला तोड़। राहुल गांधी की अगुवाई में निकाली जाएगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा। कांग्रेस ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर न्याय यात्रा कहा। क्या यात्रा कांग्रेस को लोकसभा चुनाव 2024 में दिला पाएगी बढ़त? राहुल की यात्रा का रोडमैप, 2 मार्च मुरैना में आम सभा, ग्वालियर में रोड शो, 3 मार्च दोपहर का भोजन ग्वालियर में, रात्रि विश्राम शिवपुरी में, 4 मार्च गुना में रोड शो, राजगढ़ में नुक्कड़ सभा, 5 मार्च शाजापुर और उज्जैन में रोड शो, महाकाल के दर्शन करेंगे राहुल गांधी, 6 मार्च धार के बदनावर रतलाम में आदिवासियों की बैठक। मध्य प्रदेश में 7 दिन तक और ज्यादातर बस से होने वाली राहुल गांधी की यात्रा धौलपुर से मुरैना में प्रवेश करेगी। इसके बाद ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, आगर मालवा, उज्जैन, रतलाम, झाबुआ से होते हुए वापस राजस्थान के बांसवाड़ा जाएगी। गौरतलब है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा विधानसभा चुनावों से पहले भी मध्य प्रदेश में निकली थी, जिसका कोई खास असर विधानसभा चुनाव में देखने को नहीं मिला था। पर अब एक बार फिर कांग्रेस को उम्मीद है कि यात्रा से न सिर्फ लोकसभा चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस को मदद मिलेगी, साथ ही विधानसभा चुनाव में मिली हार से कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जो उत्साह ठंडा पड़ा हुआ है उसे फिर से बूस्ट अप किया जा सकेगा। भव्य स्वागत की तैयारियां हैं। मध्य प्रदेश भर में हो, चाहे यहाँ से आगे बदनावर में बहुत बड़ी आम सभा है जो आदिवासियों के सम्मान और सत्कार की है, उससे आगे उज्जैन में महाकाल के दर्शन और रोड शो है, और उज्जैन में ये सब जगह सभाएं और लोगों से संवाद का विषय है। यहाँ युवाओं से बात कर, किसानों से, हमारे एसटीएससी के साथियों से, ओबीसी के साथियों से, महिलाओं से कई संवाद भी उनके दौरान है। माना जाता है कि दक्षिण से उत्तर की अपनी पहली भारत जोड़ यात्रा ने राहुल गांधी की राजनीतिक छवि निखारने में भले ही अहम भूमिका निभाई हो, लेकिन मध्य प्रदेश में जिन इलाकों से राहुल गांधी निकले वहां कोई विशेष छाप वो नहीं छोड़ पाए और मध्य प्रदेश विधानसभा नतीजों में कांग्रेस 66 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। ऐसे में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2 का मध्य प्रदेश में कितना असर होता है, इस सत्ता के फाइनल लोकसभा चुनाव से लगभग तय हो जाएगा। कुमार संदीप, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल।